इस खबरनामे के पेश करदा है एजी ट्रेडर्स बासमती राइस होलसेल डीलर चादरघाट काली खबर हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और बस्ती में मौजूद दवाखानों में इस मौसम में बरसात के चलते मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अद्वियात तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के स्टाफ घर घर जाकर भी आवाम को बीमारियों से बचाने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं। इसी जिमन में डॉक्टर वेंकट साहब DM एंड HO हैदराबाद, डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर ब्रिजेश अनिसा मलकपेट क्लस्टर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेमावती ने IDCF प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज UPSC मदनापेट में मेहमान खसूसी मौजूद MLA जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, AIMIM कॉरपोरेटर जनाब मुजफ्फर और तमाम मुकामी कायदीन के साथ MLA साहब ने NCD प्रोग्राम पर आवाम को सेहत के अमले को ताउन करने और आधार कार्ड देने की आवाज़ दी। हेल्थ कार्ड हासिल करने के लिए सेहत के लिए 2 लाख रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवरेज, हाई ब्लड प्रेशर BP डायबिटीज शुगर मुंह का कैंसर चेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के साथ हेल्थ प्रोफाइल तमाम सरकारी हॉस्पिटलों UPSCs और बस्ती दवाखानों के आसपास भी मंदरजा बाला तमाम बीमारियों के मुफ्त अद्वियात और दीगर इलाज हासिल करने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया। MLA साहब ने आवाम से गुजारिश की है कि वो इस फ्री खिदमत से इस्तेफादा उठाएँ। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी दवाखानों में, बस्ती दवाखानों में ये मौसमी एतबार से जिस जगह बारिश का सीज़न है, मुख्तलिफ बीमारियों की का सिलसिला चलता है, डायरिया का भी इसमें खदशा है। उस तरीके से एक अच्छे प्रोग्राम के तहत कम उम्र बच्चों को खुसूसन ये टानिक और ये पाउडर दे रहे हैं, और ज़रा बड़े बच्चे हैं तो उनको गोलियां भी दे रहे हैं ताकि वो उनकी सेहत और सलामती के लिए उनका तंदुरुस्ती रहे, अच्छी सेहत रहे। तमाम सरकारी दवाखानों में इसका इंतज़ाम किया गया, हत्ता के सरकारी दवाखानों का स्टाफ घरों पर जाके लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए उनकी तवज्जो दिला रहे और ये दवा उनके घर पर भी ले आके दे रहे हैं। ये जितने भी बस्ती दवाखाने हैं वहाँ पर इसका इंतज़ाम किया गया है, लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। ये हुकूमत तेलंगाना की तरफ से एक बड़े पैमाने पर पूरे स्टेट में ये काम चल रहा है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि वो इस फ्री खिदमत को का इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों की सलामती उनकी सेहत के लिए तवज्जो दें, और इसमें पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ ताउन करें, उनका साथ दें और घर घर उनको लेकर फिरें। लोगों में इसमें अवेयरनेस आना है, शोर बेदारी प्रोग्राम के तहत लोगों को वाकिफ़ कराना है कि इससे क्या फ़ायदे हैं। बहरहाल बहुत सारे हेल्थ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कई बीमारियों से भी इसमें महफूज रह सकते हैं। शुगर है और कैंसर है, ये मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उसमें भी इसमें सेफ्टी के उसकी भी तहफ़ है। इसलिए आप इससे इस्तेफादा करें। इस प्रोग्राम में हमारे कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब भी हमारे साथ है, यहाँ का मेडिकल स्टाफ भी है, और MIM पार्टी की तरफ से ये काम में हम सपोर्ट कर रहे हैं। सेहत के मामले में आवाम की जितनी खिदमत है हम मेडिकल स्टाफ के साथ साथ दे के काम करेंगे, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर उनके लिए इंतजाम करेंगे। असल बात इसमें आधार कार्ड NCD प्रोग्राम में आधार कार्ड से इसको लिंक किया जा रहा है। लोग आधार कार्ड देने के लिए घबरा रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड में आपके पूरे डिटेल रहते हैं, सारी आधार कार्ड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आप आधार कार्ड का नंबर नेट पे देख के निकाल के आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री उसमें सेफ रहती और जो भी दवा देना है उनके लिए सहूलत रहेगी। तो आधार कार्ड देने के लिए हिचकिचाइए मत, ये जितने आधार कार्ड मंग रहे हैं उसमें दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपकी एक फाइल नेट पे तैयार होती है और हेल्प प्रोवाइड तो आपकी फाइल तैयार होने के बाद आपके तमाम इलाज के लिए सिर्फ आपका नंबर मारने के बाद आपके पूरे डिटेल आ जाते हैं। तो इसलिए आधार कार्ड देने के लिए पसोपेश मत कीजिए, जहाँ कहीं भी ऐसे आधार कार्ड हेल्थ डिपार्टमेंट वाले मंग रहे हैं उनको दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन करा के अपने बच्चों के इलाज के लिए हेल्थ कार्ड भी इस पर जारी करिए हुकूमत की तरफ से, उससे भी इस्तेफादा कीजिए। बहरहाल एक खिदमत है,
तिब्बी मैदान में लोगों के सेहत के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत अच्छे काम कर रही है सेहत के मैदान में, लिहाजा आप उसमें साथ दीजिए और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ SPHO डिप्टी DMHO मलकपेट। हमारे पास ये IDCF प्रोग्राम है जो इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर्टनाइट प्रोग्राम जो 13 तारीख से 27 तारीख तक चलेगा। 1 से 5 साल के ये रेनी सीजन में बच्चों को डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम लोग पहले से एहतियात के तौर पर ORS और जिंक घर घर जाके बांट रहे हैं और ये 14 दिन तक जिंक देना है और ORS के पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। 1.5 गिलास पानी गर्म करके ठंडा करके 1 पैकेट डाल के पिलाना, 24 घंटे के अंदर पिलाना, फेंक देना फिर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसे फ़ायदा उठाइए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल MLA अहमद पाशा साहब के, वो भी हमारे ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। और हम लोग का NCD प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, BP, शुगर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग चल रहा, उसके लिए हम लोग आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो वो आधार कार्ड आप लोग फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए तो फ्रिक्वेंटली आप लोग फ़ोन नंबर चेंज करते, तो आधार कार्ड नंबर पे क्लिक करने से क्या होता, आपके पूरे डिटेल्स आ जाते हैं और आपको हेल्थ प्रोफाइल बन जाता आपका और आपका हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस कार्ड भी बन जाता। हर गवर्नमेंट दवाखाने में 2 लाख तक इंश्योरेंस भी आता, आपको पूरे कवर पकड़ के जाने की, रिपोर्ट्स पकड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये स्कैन हुआ, ये रिपोर्ट है, पूरा टेस्ट सब आप एक बार आधार कार्ड नंबर मारते आ जाता है, इसीलिए हम लोग हेल्थ वाले मांग रहे हैं। इसलिए हमारे हेल्थ स्टाफ जो आशाज, ANM स्टाफ, नर्स, मेडिकल ऑफिसर घर घर आते हैं, आप लोग कॉपरेट करिए, इसमें और कुछ नहीं है, जस्ट हेल्थ के लिए सोच रहे हैं। और BP शुगर की दवा हर बस्ती दवाखाना हर UPSC में फ्री दे रहे, आपको जो भी दवा होना फ्री मिलेंगी। और मैं फिर एक बार ऑनरेबल MLA अहमद पाशा साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हाइपरटेंशन BP के लिए भी हम वॉइस दिए हैं, आप लोग वो भी सुन सकते हैं। शुक्रिया, थैंक्स।